नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने यानी अनुच्छेद 370 को खत्म करने को अब एक साल पूरा होने को है। इस एक साल में ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख कितना आगे बढ़े, सरकार ने जो वादे किए थे इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की जनता से, क्या वो वादे पूरे हुए, इस सब को लेकर हम एक श्रृंखला आपके समक्ष पेश करेंगे 5 अगस्त तक लगातार अपनी रिपोर्टों के जरिए। लेकिन उससे पहले जरा हम आपको दिखाना चाहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने जब राज्यसभा में 370 हटाने संबंधी जो विधेयक पेश किया था तब उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा था, उन्होंने अपने संबोधन में कैसे बताया था कि इस 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों का तो भला नहीं हुआ लेकिन कुछ परिवारों की राजनीति जरूर चमकी। आइए आपको सुनाते हैं, लिए चलते हैं फ्लैशबैक में, एक साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया था और ये भाषण आज भी सामयिक है। आप समझ पाएंगे कि 370 हटाना कितना वाजिब था और अब दोनों प्रदेश किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, कैसे विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको अपनी अलग रिपोर्टों में दिखाएंगे, लगातार दिखाएंगे। लेकिन जरा पहले सुनिए अमित शाह का यह भाषण और इस भाषण के दौरान ये देखिए कि कितना जोरदार भाषण था। इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मेजे थपथपाकर स्वागत कर रहे थे। सभापति महोदय, आज मैं इस सम्माननीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ हूं। महोदय, मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूं उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं ये जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं उस सदस्यों ने कहा कि इसका हिसाब कौन देगा, क्या होगा अंत। मैं पूछना चाहता हूं ये 41,849 लोग घाटी के और कश्मीर के मरे, इसका हिसाब किसको देना है। और मुझे बहुत स्पष्टता है ये 41,849 लोग, उनकी जान न जाती सभापति महोदय अगर धारा 370 न होती। पूरे सदन ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार रखे और धारा 370 और 35A पर बहुत सारी बातें करी, मगर ज्यादातर बातें टेक्निकालिटी पर करी। धारा 370 की उपयोगिता के लिए शायद कोई कुछ नहीं, किसी ने कहा कि इतिहास का हिस्सा है, भारत का वादा था, हमारा कमिटमेंट था, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर धारा 370 से भारत और विशेषकर जम्मू कश्मीर लद्दाख और विशेषकर घाटी को क्या प्राप्त होने वाला है वो किसी ने नहीं बताया। मगर मैं सबसे पहले सब चीजों को मैं डील करूंगा सभापति महोदय, परंतु सबसे मैं कहना चाहता हूं कि धारा 370 ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और घाटी के लोगों का कितना नुकसान किया है। धारा 370 के रहते मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर कि अभी बताया कि 35 से और धारा 370 जाने से क्या हो जाएगा, मैं बताना चाहता हूं एक उदाहरण देकर। मान्यवर, देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान की रत्ना हुई, देश भर में पाकिस्तान से
निराश्रित लोग आए, पाकिस्तान से शरणार्थी आए, कुछ पंजाब में गए, कुछ गुजरात में गए, कुछ महाराष्ट्र गए, कुछ जम्मू कश्मीर में भी गए। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के शरणार्थी गए, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, वो वहां काउंसिलर भी नहीं बन सकते। क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? अन्याय है या नहीं? और देश में क्या हुआ? इस देश को दो प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों ने दिए, श्री मनमोहन सिंह और श्री गुजराल सिंह। कोई प्रधानमंत्री तो बन सकता है, और जम्मू कश्मीर में जिसने शरण ली वो काउंसिलर नहीं बन सकता है। ये कहां का न्याय है? जो इसके पक्ष में खड़े हुए हैं उनको इसका जवाब देना चाहिए। ये कहां का न्याय है और क्यों क्यों अन्याय? मान्यवर, ये कहते हैं कि 370 और 35 से जाएगी तो कयामत आ जाएगी, और 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। मैं इसके बाद बताना चाहता हूं, मगर मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को, देश को और विशेषकर घाटी की जनता को बताना चाहता हूं कि 370 ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और विशेषकर घाटी का क्या नुकसान किया। मान्यवर, 370 के कारण जम्मू कश्मीर में कभी भी लोकतंत्र प्रकोलित नहीं हुआ। 370 और 35 के कारण भ्रष्टाचार बड़ा फला फूला, बड़ा पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा। 370 और 35 के कारण ही गरीबी घर कर गई, पूरे देश के अंदर विकास दिखाई पड़ता है। घाटी के गांवों को देखते हैं तब हृदय के अंदर संवेदना आती है, आंख में आंसू आते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद ये क्यों गुर्बत में जी रहा है, क्यों गरीबी में जी रहा है। मान्यवर, वहां के आरोग्य को भी इतनी सुविधाएं नहीं मिली, आरोग्य की भी, उसका कारण भी 370 है। विकास नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक भी 370 है। शिक्षा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को देश भर के शिक्षा संस्थानों में जाना पड़ता है, इसका भी कारण 370 है। ये 370 मान्यवर महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है, और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं देख रहा हूं अभी सामने, मगर मैं सब चीजों का डिटेल जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं लोकतंत्र की बात करूंगा। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ, देश भर के अंदर। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए, मगर जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां कॉन्सेंसस नहीं बन पाता था। मान्यवर, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते भी नहीं थे। आज भी वहां पर 73 और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी 73 और 74वां संशोधन, ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई। मान्यवर, पंचायत के चुनाव वहां नहीं होते थे, नगर पालिका के चुनाव नहीं होते थे। लेजिस्लेटर सुन सुन कर मैं 25 लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन को क्यों भरोसा में। मैं पूछना चाहता हूं, 40,000 से ज्यादा पंच सरपंच का अधिकार 70 साल तक ले लिया, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार है 370। माननीय राष्ट्रपति शासन हुआ, राष्ट्रपति शासन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया और जम्मू कश्मीर के पंचायत एक्ट के तहत वहां चुनाव हुए। आज 40,000 पंच सरपंच गांव की सेवा सीधी कर रहे हैं, उनके हाथ में 3500 करोड़ रुपया पहुंचे। ये अधिकार नहीं मिला, मगर कोई नहीं बोलेगा। हमें कहते हैं वोट बैंक की राजनीति कर, क्यों घाटी में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? घाटी में मुसलमान भी रहते, हिंदू भी रहते, सिख भी रहते, बौद्ध भी रहते, जैन भी रहते। धारा 370 अच्छी है तो सबके लिए अच्छी है, और बुरी है तो सबके लिए बुरी है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते। मान्यवर, तीन परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को बैन में रखा, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को परकोलेट नहीं होने दिया, और आज ये राष्ट्रपति शासन के अंदर प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में वहां पर चुनाव हुआ,
40,000 पद सरपंच सरपंच आज काम कर रहे हैं। चुनाव में एक बूंद भी खून की भूमि पर नहीं गिरी, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और 5-5%, 7-7% वोट लेकर ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग आते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं 50-50% वोटिंग हुआ। ये बात बताती है कि जम्मू कश्मीर की जनता जमहूरियत चाहती है, लोकतंत्र चाहती है। अभी भी मैं कहना चाहती हूं, एक बार संपर्क बनाइए, राजनीति से ऊपर उठिए, वोट बैंक की राजनीति को किनारे करिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि 370 ने जम्मू कश्मीर का कितना किया। माननीय, मैंने कहा जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए, जम्मू कश्मीर की गरीबी के लिए 370 जिम्मेदार है। और मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को भारत सरकार की ओर से भेजा गया। 2,77,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी पैकेज के अलावे। माननीय, नीचे देखते हैं तो जमीन पर कुछ नहीं। मैं इसमें बाद में आता हूं क्यों कुछ नहीं हुआ, मगर 2011 और 12 में भारत में प्रति व्यक्ति भारत सरकार ने 3683 रुपया भेजा, 3683, और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति 14,255 रुपया भेजा, मगर वहां विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करप्शन को कंट्रोल करने वाली एजेंसियों को वहां एंट्री नहीं है। कौन रोकता है? 370 रुपया। मान्यवर, 2017 से 18 भारत में प्रति व्यक्ति एवरेज 17-18 में 8,227 रुपया भारत सरकार ने भेजा, और जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 27,358 रुपया, मगर नीचे तक नहीं जाता, क्योंकि धारा 370 ने मोनोपोली बनाई है। वहां का ही व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। चंद लोग जो एक तीन परिवार के साथ जुड़े हैं, उन्होंने सीमेंट की एजेंसियां ले ली, लोहे की एजेंसियां ले ली। माननीय, मैं बताना चाहता हूं, सीमेंट वहां पर देश से 100 रुपया प्रति थैली महंगा है, 100 रुपया प्रति थैली महंगा। क्यों? क्योंकि किसी को बिजनेस करने की वहां परमिशन नहीं, स्पर्धा ही नहीं होती है। और ये तीन परिवार का आशीर्वाद जिस पर होता है वही बिजनेस कर पाता है। माननीय, मैं पूछना चाहता हूं, जो 370 की वकीलात करते हैं उनको, ये रुपया कहां गया? जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर ऑडिटर गया, एडमिनिस्ट्रेटर रखा, अच्छे अच्छे को चेहरों पर मैंने मान्यवर सर्दियों में पसीना देखा है। और ये जो हो हल्ला हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हो हल्ला इसलिए हो रहा है कि अब जांच शुरू हुई, वहां राष्ट्रपति शासन है, जांच शुरू हुई है, इसलिए हो हल्ला। मैं समझता हूं कि इसको एक अलग रंग देना चाहते। और मान्यवर, क्या मिला घाटी के व्यक्ति को? देश आजाद हुआ, देश भर में एवरेज कीमत 1 एकड़ की 3,000 रुपया थी। देश के कई हिस्सों में 30 लाख हो गए, कई हिस्सों में 10 लाख हो गए, कहीं पर 3 करोड़ हो गए, मगर 10 लाख से नीचे शहर के आसपास कहीं पर जमीन का दाम कम नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर में क्या है? 3,000 से 30,000 भी नहीं हुआ। जिसके पास भूमि है उसका दाम क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि खरीदारी नहीं है, कोई खरीद ही नहीं सकता है। अब जब कोई खरीद नहीं सकता है तो दाम भला कहां से बढ़ेगा? भाई, क्यों गरीब रखना चाहते? मैं पूछना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जिसके पास भूमि है उसको गरीब क्यों रखना चाहते? इसकी वेल्थ को क्यों नहीं बढ़े? राम गोपाल जी कह रहे हैं, मान्यवर आपके माध्यम से, मैं लखनऊ के आसपास कितना भाव हुआ, कितना रेट हो गया, तो श्रीनगर वाले को राम गोपाल जी अधिकार नहीं है क्या? हमें नहीं देना है क्या? क्यों रोक कर रखना है उसको? मान्यवर, एक गरीबी जो वहां गई है, बड़ी है, इसका मुख्य कारण धारा 370 और 35 है। मान्यवर, भ्रष्टाचार कथा हुआ, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार ने भेजा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, और कोई भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून वहां पर अप्लाई नहीं होने दे, 370 का उपयोग। मान्यवर, पर्यटन, पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख जमीन पर का स्वर्ग, मुगल काल से सब लोग मानते हैं, मगर पर्यटन जितना बढ़ना चाहिए था वहां नहीं। बर्फ भी है, तालाब भी है, घाटी भी है, वन भी है, अपार और अथाह संभावनाएं पड़ी है पर्यटन की, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता, और भला कौन जाएगा बाहर?
पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती है, अच्छे होटल लगाना चाहती है, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोलना चाहती है, घाटी के अंदर खोलना चाहती है। खुल गई तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, वो टैक्सी चलाएगा, वहां नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा। परंतु वहां इसलिए पर्यटन बढ़ नहीं सकता क्योंकि वहां पर 370 के कारण कोई बड़ी पर्यटन कंपनी मतलब ट्रैवल एजेंसी वहां जा नहीं सकती है, कोई बड़ी कंपनी वहां होटल भी नहीं बने। वहां हजरतबाल है, शंकराचार्य है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, ढेर सारी रिलीजियस टूरिज्म की संभावना भी वहां पर पड़ी है। मगर इसका इसको ढंग से सभी संभावनाओं को उसका दोहन नहीं हो पाता है, उसको एक्सप्लोर नहीं, मान्यवर विकास भी नहीं। कोई व्यक्ति आज जम्मू और कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगाना है, लगाना चाहता है, तो मुझे जरा समझा दे 370 के पक्ष में बोलने वाले, मैं थोड़ी देर ज्यादा बैठूंगा, वो कैसे लगाएगा? और बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो बेरोजगारी कैसे रुकेगी? कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां जाकर लगाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी पंजाब से जाकर, हिमाचल से जाकर, 3500 और 370 है, वो कहां से लगाएगा? क्यों आप मोनोपोली में आज भी कश्मीर को जकड़ कर रखना? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला, घाटी को कोई फायदा नहीं। कोई मुझे गिना दे क्या फायदा है, समझा दे क्या फायदा है? हाँ भाई, बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा 370 चालू रखो, रोजगारी मिल जाएगी 370 चालू रखो, तनख्वाह 5000 मिलती है 15000 हो जाएगी 370 चालू रखो, और संस्कृति संस्कृति भाषा बाकी सारे राज्य इतनी सारी रियासतें जुड़ गई, सबका संस्कृति भाषा विलोपित हो गया है क्या? विलोपित हो गया भारत में? आज महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं बची, गुजरात की संस्कृति नहीं बची। मैं इस पर मान्यवर बाद में आता हूं। आरोग्य हेल्थ उसकी भी हालत वहां पर खस्ता हाल है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है देश भर में, सरकारें इस देश का अकेली सरकार इस देश के हेल्थ को अप टू मार्क नहीं रख सकती। कई जगह पर PPP मॉडल को स्वीकार किया गया, कई जगह पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाया गया मान्यवर, मगर यहाँ ना PPP मॉडल भी हो सकता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। अगर किसी के प्रभाव से चले जाए तो चले जाए, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है तो कोई कैसे जाए? और क्या तर्क है इसके पीछे? आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम? आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आ गई, मगर अस्पताल कहाँ? उसको 5 लाख रुपया उपयोग करने का अधिकार मिल गया, नर्स कहाँ, डॉक्टर कहाँ? 35 है, कौन डॉक्टर वहां जाएगा? इसके बच्चे को ना वहां वो मताधिकार है, ना वो अपना मकान खरीद सकता है, ना अपनी भूमि खरीद सकता है, ना अपनी ढंग से वहां रहकर मतदान प्राप्त कर सकता है। कौन विश्व का बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? मुझे जरा 370 की वकालत करने वाले बताएं, कौन मुंबई से डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? ओडिशा में ढेर सारे डॉक्टर जाते हैं, देश भर के जाते हैं, दुनिया भर के जाते हैं, गुजरात में दुनिया भर के डॉक्टर आते हैं देश के, आप मगर उसको घर खरीदने की खरीद करने की वहां पर परमिशन है। मान्यवर, वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं 4 पैसा कमाऊंगा या इन्वेस्ट करूंगा तो वो सलामत है, कोई नहीं जाता मान्यवर। और इसके कारण ये आरोग्य पर भी ढेर सारी जो कमियां दिखती है उसका मूल कारण भी 370 में, बहुत शॉर्ट में आंकड़े के साथ में डिटेल में भी बता सकता हूं। आंकड़े तो मैं कल एक पत्र लिखकर गुलाम नबी साहब को भेजने भी वाला हूं कि भाई देखिए आप भी पुनर्विचार करिए जरा, अभी भी समय है। मान्यवर, शिक्षा, देश भर के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 में मिल गया, संविधान के अंदर सुधार हुआ, राइट टू एजुकेशन मिला, आज कश्मीर में नहीं। मैं आपके माध्यम से जो लोग 370 के लिए बोलते थे,
चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे चिदम्बरम साहब हो, चाहे गुलाम नबी आजाद, क्यों कश्मीर के घाटी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब 370 के एडवोकेट को देना चाहिए। क्यों नहीं मिला उनको वो अधिकार? क्योंकि यहां संविधान का हमने जो सुधार किया वहां स्वीकृत नहीं किया। अब कोई जरूरत नहीं है, कल अगर लोकसभा इसको पारित करती है तो ये शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को मिले, हर बच्चे को मिले। मान्यवर, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आते, क्यों जाएंगे वहां? कौन प्रोफेसर वहां पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? इसके नाम पर तो संपत्ति नहीं हो सकती, एप्रिसिएशन होगा वो उसको फायदा नहीं मिलेगा, कौन भला जाकर वहां खोले? और क्यों पकड़ के रखना चाहते हैं तुमसे, कारण क्या है? मैं नहीं समझ पाता। मान्यवर, कोई कारण हो तो बताना चाहिए। आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, हम तो साहब राष्ट्रहित का बिल लेकर आए थे। आप इंदिरा जी को अलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लेकर, उसी दिन पारित कर इस देश की डेमोक्रेसी को, हमें उपदेश देते। मान्यवर, मैं बताता हूं, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, मान्यवर, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, वो बिल के अंदर मैं मानता हूं, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है। और सात अर्थ में जम्मू कश्मीर 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। शेड्यूल बता दें, शेड्यूल वन में जम्मू कश्मीर राज्य है। गुलाम नबी साहब ने बताया कि शेड्यूल वन में जम्मू कश्मीर राज्य है। मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर राज्य है वो तो मैं मानता हूं, मगर मुझे बताइए कि भारत की दोनों संसद जो कानून पारित करती है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई होता है क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसका फायदा मिलता है क्या? सरकारें कानून सरकार चलाने के लिए नहीं बनाती, सरकारें कानून नागरिकों के भले के लिए बनाती है, भले के लिए। और अगर नागरिकों के भले के लिए इस देश की संसद ने, दोनों सदनों ने कोई कानून को पारित किया मान्यवर, वो वहां पहुंचता ही नहीं। गुलाम नबी साहब ने मान्यवर मुझे कहा, मुझे एड्रेस कर कहा कि इंटरस्टेट शादियां होने लगी, अब सुनते नहीं है साहब। मेरा थोड़ा गुलाम नबी साहब सुन ले, मान्यवर उन्होंने कहा इंटरस्टेट शादियां हो रही। मुझे बताइए साहब, इंटरस्टेट जम्मू कश्मीर की बच्ची ने किसी ओडियावासी से शादी कर दी तो उसको और उसके बच्चों को वहां पर कोई अधिकार मिलने वाला है क्या? आप खुश हो रहे हैं शादियां हो रही है? ये शादियां तो कानून नहीं है फिर भी हो रही है, एक बार खुला कर दो, जम्मू और कश्मीर सात अर्थ में हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक मेंटल बैरियर है, ये वोट बैंक की राजनीति है, और एक खामखा बोझ लेकर कुछ लोग घूमते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मान्यवर, कुछ नहीं होने वाला है। मान्यवर, शिक्षा के अधिकार को वहां ले जाना है तो भी 370 चाहिए, महिलाओं के सारे अधिकार के कानून जो बने हैं और उनको, महिलाओं को, उनके बच्चों को अगर अधिकार देना है तो भी 370 चाहिए। मान्यवर, ये 370 दलित और आदिवासी विरोधी है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि वहां कितना परसेंट ओबीसी है? मान्यवर, आपके माध्यम से मैं रामगोपाल जी को भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि पार्टी तो ओबीसी की खैरख्वाह पार्टी है, हमेशा बात करती है। आपको मालूम है रामगोपाल जी, वहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन ही नहीं मिल पाता है, ट्राइबल्स को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता, दलित को राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसीलिए आज बहन मायावती की पार्टी ने इसका समर्थन किया है, इसके पक्ष में वोट किया। मैं सुन रहा था सरबत, मान्यवर कब तक इनके साथ अन्याय करें? और ये जो ट्राइबल है सिर्फ हिंदू नहीं है, जो कहते थे वोट बैंक हम वोट बैंक की भाई, वो तो गुर्जर है, मुस्लिम गुर्जर है, उनको भी रिजर्वेशन से वंचित करा है। कोई ये तो समझा दे प्राप्त क्या होगा। बिल 11 बजे लिए, 11 बजे चर्चा कर ली, 370 ऐसे ही आप बदल देते हो, कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है, मुझे भी मालूम है,
कि साहब कुछ पार्टियों ने एनजीओ की ब्रिगेड बनाकर रखी है और ये बिल को चैलेंज करेंगे, मुझे भी मालूम है। और मैं मान्यवर आपके माध्यम से सदस्यों को कहने आया हूँ, कोई भी लीगल स्क्रूटिनी से इस बिल को कोई कुछ नहीं होने वाला है। हर लीगल मान्यवर दलित आदिवासी ट्राइबल इसके लिए कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसका कारण भी 370 है। अब मान्यवर मैं आता हूं आतंकवाद पर। मान्यवर आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर भी पहुंचा, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मगर इसके जड़ में हमने जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं मान्यवर समय समय पर ये 370 के भूत ने वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन में उनको गुमराह कर एक बड़ी नाराजगी की भावना खड़ी की, नाराजगी की भावना खड़ी। पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया और देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद देश से कई गुना ज्यादा बढ़ा। मान्यवर आज तक 41,400 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों मारे गए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं, चलो एक मत हो सकता है, मगर आपकी पॉलिसी ने क्या किया, किसकी पॉलिसी के कारण 41,894 लोग मारे गए? पॉलिसी किसी ने नहीं बदली, जवाहरलाल जी जो चालू कर आए थे वही पॉलिसी चल रही है। किसकी जिम्मेदारी है इसकी, क्यों मारे गए? मान्यवर स्वायत्तता की मांग उठी। पाकिस्तान 3 युद्ध हारने के बाद 1988 में जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक को स्वीकृति दी, इसके अंदर भी 370 का उल्लेख है। उन्होंने कहा है ये 370 कलम जब तक है तब तक कश्मीर का युवा भारत के साथ जुड़ नहीं सकता, एक ग्रुप ऐसे खड़े करिए जो कश्मीर के युवा को गुमराह करे और भारत की मेन स्ट्रीम से अलग करे। और 88 में ऑपरेशन टोपैक की शुरुआत हुई, 89 से यहां पर आतंकवाद शुरू हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो पूरे पाक प्रेरित जो ग्रुप्स हैं आतंकवादी हैं वो तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता, क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता, गुजरात में भी पाकिस्तान की बॉर्डर है, क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता, क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता? क्योंकि वहां 370 नहीं है, वहां कोई अलगाववाद का भूत नहीं। मान्यवर 370 ने समय समय पर जब भी आतंकवाद खत्म होने की कगार पर आता है 370 को लेकर कुछ लोग ये चीज को बढ़ाना शुरू करते हैं। और मैं मानता हूं मान्यवर हुर्रियत, ISI, घुसपैठिए, ये सब लोगों ने कश्मीर के युवाओं को गुमराह करा है। और 1990 से 2018 तक 41,894 लोगों को अपने जान से हाथ धोने पड़े हैं। मान्यवर यह आंकड़ा छोटा नहीं है, रक्तपात हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों ऐसी शुभकामनाएं देते हैं भैया? हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, आप कहिए कि भाई चलो सब अच्छे से हो, शांति से हो, क्या संदेश जाएगा घाटी में? आप यहां खड़े रह होकर कहोगे रक्तपात हो जाएगा? हम क्या ये सदन रक्तपात कराना चाहता है? ये सदन घाटी में क्या संदेश डालना चाहता है कि आप जीते रहो 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में? उनको अधिकार नहीं है 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का? और साहब ये जो लोग उकसाते हैं ना, उनके बेटे बेटियां सब लंदन और अमेरिका में के अंदर पढ़ाई करते हैं। जरा पढ़े वहां की स्कूल के अंदर, जरा पढ़े वहां की कॉलेज के अंदर, तब मालूम पड़ेगा धारा 370 क्या है। 370 के जितने एडवोकेट्स हैं इनके बेटे कहां पढ़ते हैं पूछे सब, उनको चिंता नहीं है क्योंकि अपने तो सब कर लिया अच्छे से, मगर घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने के लिए, घाटी के युवा का विकास न करने के लिए ये 370 एक बहुत बड़ी बाधक है। और मैं स्पष्टता से मानता हूं मान्यवर जब तक 370 और 35 से है कश्मीर के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। निहायत जरूरी कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए कि धारा 370 लाई जाए। हम
मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हम घाटी के युवाओं को मान्यवर गले लगाना चाहते हैं, उसको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देना चाहते हैं। वहां इंडस्ट्री लगेगी, उसको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट जाएंगे, उसको रोजगार मिलेगा, उसको संपन्न बनाना चाहते हैं। बाकी भारत के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है, उसी तरह से कश्मीर के अंदर विकास हो, इसके लिए 370 का ऑब्स्टेकल निकालना जरूरी है। और मैं आज भी कहना चाहता हूं मान्यवर, आज भी कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 चिंता मत करो, घिसते घिसते घिस जाएगी, मगर 370 को इतने जतन से संभाल कर रखा, 70 साल हुए घिसी नहीं। और आप मुझे बताइए, ये टेम्पररी प्रोविजन है, सब स्वीकार करते हैं, टेम्पररी शब्द 70 साल तक चल सकता है क्या? कब जाएगा, कैसे जाएगा ये टेम्पररी प्रोविजन को, कब तक चलाना है? और आप कह रहे हो, कुछ सदस्यों ने कह दिया कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे। मेरा तो आग्रह है मान्यवर, इस प्रकार की बातों को आपने रिकॉर्ड पर से दूर कर लेना चाहिए, इसका संज्ञान लेना चाहिए। सरदार पटेल ने देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को छोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास किया, और आप कह रहे हो कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था, सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है, डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है, जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू ने और विद 370 है, और आज हम भी कर रहे हैं। नहीं, सरदार पटेल के पास ये मसला था ही नहीं, मैं मेरे मंत्रालय की फाइल 0A के मामले में आहिंगर और सरदार पटेल बराबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं नहीं 370 की बात नहीं कर रहा, एक मान्यवर मैं स्पष्टता कर दूं फिर से, गुलाम नबी आजाद ध्यान से सुनते नहीं है, शायद वो रीथिंकिंग करे मेरी बात सुनकर के 370 के पक्ष में वोट डालना, इसलिए ध्यान से सुन नहीं रहे। मान्यवर मैं बताता हूं आपको कि मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किसने क्या कहा, ये मामले को कौन देख रहा था, इसमें कहीं सरदार पटेल साहब का जिक्र ही नहीं है, दखल भी नहीं, और मैं बताता हूं मगर रेको जरा भी दखल नहीं। जब पंडित नेहरू अमेरिका में थे और ये 370 मैं 370 की बात नहीं कर रहा, 370 डिस्कस अभी भी आप समझ रहे हैं, और सरदार पटेल और मैं 370 के बारे में कह ही नहीं रहा, भारतीय संघ के साथ संधि के बारे में कह रहा हूं, इसमें कहीं भी और भी सरदार पटेल नहीं थे। मान्यवर मेरा विनम्रता से कहना है कि 370 है आतंकवाद की जनक है, इसलिए 370 का जाने का समय आ गया है, और अगर आज 370 नहीं जाती है तो आतंकवाद को हम जम्मू कश्मीर से नाबूद नहीं कर पाएंगे। मान्यवर कुछ लोगों ने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ती है, स्पिरिट से देखा जाए तो वो ठीक है, मगर मैं दो तिथियां कहना, महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर में साइन किया गया, वो कब करा, 27 अक्टूबर 1947 में, और 370 1949 में आई, भारत के साथ जुड़ाव का 370 से कोई लेन देन नहीं है मान्यवर, ये भ्रामक प्रचार किया गया है। मान्यवर कहते कि 370 नहीं रहेगी तो भारत से जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा, मेरी समझ में नहीं आता मान्यवर कैसे अलग हो जाएगा, और मैं घाटी के लोगों को कहना चाहता हूं इस देश में बहुत सारी रियासतें थी, 370 के बगैर, 35A के बगैर भारत के साथ घुल मिल गई, मगर सबने अपनी अपनी संस्कृति बनाकर रखी, मराठियों ने, महाराष्ट्र ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, भाषा भी संभाल कर रखी, गुजरात ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, भाषा भी संभाल कर रखी है, तमिलनाडु ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी, अपनी भाषा को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं, तेलुगु राज्यों ने अपनी संस्कृति बनाकर रखी अपनी भाषा को, 370 कहां से किस प्रकार से आपकी संस्कृति को
प्रोटेक्ट करता है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। वो प्रोटेक्ट करता है केवल और केवल तीन सियासतदानों के परिवार को प्रोटेक्ट करता है, वो नहीं चाहता। और 370 को पूरे देश के अंदर वोट बैंक का मुद्दा बनाया हुआ। और गुलाम नबी साहब ने कहा कि यहां तो बम फूट गया सुबह, मैंने बम फूट दिया कि 370 ये 33 से ये सब लेकर आया। मुझे तो मालूम नहीं पड़ता साहब, 1950 से मेरे पार्टी के अंदर हर घोषणा पत्र में के अंदर है कि हम 370 को निकाल देंगे। इस बार भी था, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, भारत के हित में तो नहीं ही है, मगर जम्मू कश्मीर के हित में भी नहीं है और विशेषकर घाटी के हित में नहीं है मान्यवर। इसलिए मैं मानता हूं कि 370 तुरंत जानना चाहिए। मान्यवर 1964 के अंदर लोकसभा के अंदर एक चर्चा हुई थी, लोकसभा के अंदर चर्चा हुई, इसमें राम मनोहर लोहिया जी ने एक बहुत, आपके माध्यम से मैं राम गोपाल जी को थोड़ा याद, लोहिया जी की बात कर रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि जब तक धारा 370 है भारत और कश्मीर का एकीकरण नहीं हो सकता है, एकरूपता नहीं आ सकती है। मधु लिमिया ने कहा, सरजू पांडे ने कहा, एच ए मुखर्जी ने कहा, इंदर मल्होत्रा ने कहा, समनानी ने कहा, अब्दुल गनी कश्मीर के ही मुस्लिम सांसद थे उन्होंने कहा, गोपाल दत्त मैंगी ने भी कहा, श्यामलाल सराफ ने कहा और कांग्रेस के 14 संसद सदस्यों ने भी कहा। सदन को स्थगित कर दिया, उस वक्त भी रूल का भंग हुआ था, सदन को स्थगित कर दिया, दूसरे दिन व्हीप डाला और व्हीप डालकर कांग्रेस के लोग इसके पक्ष में वोट न डाले, इसकी व्यवस्था कर चर्चा हुई। मगर उस वक्त इस देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहना पड़ा, बहुत सारे सदस्यों की भावना है, हम अभी ये उचित समय नहीं है, कुछ ही समय के अंदर इस पर सोच विचार कर कदम उठाएंगे, संवैधानिक कदम उठाएंगे। मेरा जन्म 64 में हुआ था साहब, 55 साल चले गए, ये उचित समय आया नहीं। उचित समय तब आया जब श्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, इसमें कोई उचित समय की जरूरत नहीं थी, पॉलिटिकल विल चाहिए थी, मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मान्यवर, ये पॉलिटिकल विल के कारण ही आज 370 को सीज करने का प्रस्ताव लेकर मैं इस सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, 370 का बहुत सारा अच्छा बुरा उपयोग दुरुपयोग भी हुआ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। इमरजेंसी आई, इंदिरा जी एक प्रस्ताव लेकर आई, सारे विधायक मंडल और सारी संसद का कालखंड 6 साल कर देंगे। तब से जम्मू कश्मीर असेंबली ने 370 होते हुए उसको एडॉप्ट कर दिया और 6 साल कर दिया। बाद में मुरारजी देसाई आए, मुरारजी भाई आए, उन्होंने डू अंडू कर दिया, 6 साल से फिर से 5 साल किया, मगर 370 के कारण वहां 5 साल नहीं हुआ, आज भी 6 साल ही है। इस प्रकार से अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तो मैं मानता हूं मान्यवर कि ठीक नहीं होगा। काफी सारे सदस्यों ने काफी सारी बात जानना चाहिए। प्रसन्न आचार्य जी ने कहा कि अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो आप रिजर्वेशन का बिल लेकर क्यों आए। मैं प्रसन्न आचार्य जी को स्पष्टता करना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का बिल लेकर मैं इसलिए आया हूं कि सदन में तो आज पास हो जाएगा साथ में, मगर वहां का सदन क्या करेगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। अगर वहां पहले वहां का सदन भी पास कर देगा तो मैं रिजर्वेशन के बिल को नहीं मूव करूंगा, क्योंकि रिजर्वेशन के बिल को मूव करने की जरूरत ही नहीं होगी। 10% रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई करेगा। और उस सबसे पहली शुरुआत स्वपन दास जी ने कहा 370 के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है या नहीं है। स्वपन दास जी, नहीं है। अगर सभापति महोदय कहते हैं तो मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी सदन के सामने रखने के लिए तैयार हूं, मगर ये नहीं है। उन्होंने कहा कि कब तक ये यूटी रहेगा। मान्यवर, मैं गुलाम नबी साहब और जितने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूटी बनाने पर अपनी आपत्ति दर्ज करी, मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं
कि जैसे ही नॉर्मल परिस्थिति हो जाएगी, उचित समय आएगा, हम इसको फिर से स्टेट बनाने के लिए हम करेंगे। और मैं आज इस सदन से के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता को भी कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि है और इसमें हमें कोई मतभेद कोई दिक्कत, जब भी उचित समय आएगा। मगर जिस प्रकार के भाषण हो रहे आज, मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा समय जाएगा, क्योंकि ये भाषण बाद में घाटी में भी होने वाला है। अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो हमें कोई ज्यादा इसको लंबा करने में कोई शौक नहीं है, ना हम करना चाहते। वाइको जी ने कहा कासावो बन जाएगा कश्मीर। वाइको जी आश्वस्त रहिए, कुछ कासावो नहीं हो जाएगा, ये स्वर्ग था, है और रहने वाला, कासावो नहीं बनने देंगे, आप चिंता मत करिए। आपको वही करना है। शिवा ने कहा, श्रीमान शिवा ने कहा कि भाई ये बाकी सारे राज्यों के अंदर भी ये रूट आप लेंगे। मैं माननीय सदस्य शिवाजी को और सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बाकी कोई राज्य में 370 नहीं है, इस प्रकार की विशिष्ट परिस्थिति भी नहीं है। ढेर सारे विभाजन आजादी के बाद हुए हैं, हमने भी करे, हमने उत्तराखंड बनाया, हमने झारखंड बनाया, हमने छत्तीसगढ़ बनाया, आपने आंध्र और तेलंगाना बनाया, और मुझे इतने सारे सलाह देते हैं मान्यवर, मैं उनको आंध्र तेलंगाना के डिवीजन का दृश्य जरा आंख बंद कर याद करे कैसे करा था। मैं तो सिर्फ उस दिन बिल, आज बिल लाया और आज पारित करने का आग्रह किया, आपने आपके विशेषाधिकार का उपयोग करके मुझे अनुमति दे दी, कृपा हो गई आपकी, तो मैं बिल पास कर रहा हूं। आपने तो सार्जेंट से उठाकर सबको बाहर डाला, दरवाजे बंद करे, टीवी बंद करा, और उसके बाद में अंडरवर तेलंगाना बनाया था जो आज बने। तो हमें मत समझाइए कि किस तरह से होता है। मान्यवर गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हजारों विधवा हुई हैं कश्मीर की 370 को बचाने के लिए, 370 को बचाने के लिए या कश्मीर को बचाने के लिए कम विधवा हुए गुलाम नबी आजाद साहब, विधवाएं जरूर हुई हैं, 41,000 से ज्यादा लोग मारे गए हुई हैं, मगर 370 के कारण। और मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं घाटी के लोगों को, 70 साल तक 370 के साथ जिए, ये 370 के वादों को कांग्रेस सरकारों ने बार बार दोहराया, गुमराह किया। मैं कहता हूं हमें 5 साल दे दीजिए, हम कश्मीर को देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बना। मैं कश्मीर घाटी के युवाओं को कहना चाहता हूं, भरोसा करिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर कुछ नहीं होने वाला, ये बरगरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो आपको कह अपनी पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं उनकी मत सुनिए। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मान्यवर कश्मीर के युवाओं को कि एक 5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर परिवर्तन आएगा, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि 70 साल जो चीज को लेकर निकले वो चीज ही ठीक नहीं, तब जाकर मालूम पड़ेगा। मान्यवर बाद में फाइनल सॉल्यूशन के बारे में टिप्पणियां की, मगर मैं मानता हूं मान्यवर, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, एक सदस्य ने कहा था कि ये कश्मीर समस्या का फाइनल सॉल्यूशन है। मान्यवर समय जरूर लगेगा, मगर रास्ता 370 का रिमूवल ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, ये मैं निश्चित रूप से मानता हूं मान्यवर। और दूसरा चिदंबरम जी ने सवाल किया कि 370 का उपयोग 370 के सुधार के लिए कैसे कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर आया है चिदंबरम जी 367 रेड विथ 371D है, आप एक बार ध्यान से उसको देख लीजिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर की वैधता आपको भी मालूम हो जाएगी। मान्यवर मैं आज इस भाषण के अंदर कोई पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता, मेरे पास बहुत सारा मटीरियल है, परंतु मैं बड़े भाव के साथ आज ट्रेजरी बैंक के बेंच के और विपक्ष के दोनों सदस्यों को कहना चाहता हूं कि अलग अलग रास्तों से धारा 370 के साथ कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति लाने का प्रयास सबने अपने अपने तरीके से मन से करा है। मैं कोई ऐसा नहीं कहता कि किसी ने मन के बगैर किया अधूरा करा है, सबने मन से करा है, मगर
कश्मीर के अंदर सामान्य स्थिति नहीं हुई है, ये वास्तविकता को हमें स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं ये जो दो संकल्प और विधेयक लेकर आया हूँ, मुझे लगता है कि कश्मीर की समस्या के समाधान का रास्ता यहीं से होकर निकलेगा, मुझे विश्वास है। मान्यवर, तो मैं सभी को कहता हूँ कि हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए, हम सब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ जाए और कश्मीर को नॉर्मल होने के लिए सरकार की भी सहायता करे, कश्मीर के युवाओं को भी सहायता करे और कश्मीर के लिए जो अच्छा सोचते हैं वो सब लोग एकत्रित आकर ये धारा 370 हटाने का जो कदम हुआ है वो कदम को हम लेकर जाएं कश्मीर की जनता के बीच में। और ये सदन यूनाइटेड होकर, सदन की काफ़ी सारी पार्टियां, आमतौर पर हमारे साथ मान्यवर जो पार्टियां नहीं रहती हैं ऐसी पार्टियों ने भी आज समर्थन में भाषण करे, आप पार्टी ने किया है, बसपा ने किया है, YSRCP ने किया है, TDP ने किया है, बहुत सारे लोगों ने आज BJD ने किया, बहुत सारे लोगों ने पक्ष में भाषण दिए और सब लोग मानते हैं, AIDMK ने भी किया, AIDMK ने भी किया। और मान्यवर में जो नया जोड़ा उनका नाम ले रहे हैं भाई, अब पुराना है। मान्यवर और मैं सबको ये भी बात कहना चाहता हूँ, रात को घर पर जाकर सुबह के TV के कार्यक्रम देखिए, देश की जनता एक मुख से मानती है कि 370 के जाने से कश्मीर हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब जनता का इतना बड़ा दृढ़ विश्वास है तो आज जनता का विश्वास देखकर मान्यवर मेरा भी विश्वास बहुत बड़ा है। मैं तो पहले से मानता हूं कि 370 कश्मीर को नॉर्मल बनाने के लिए सबसे बड़ा हर्डल है। और मुझे ये भी मालूम है अगर वोट बैंक की राजनीति करना कुछ पार्टियों ने चालू करा तो इसको चैलेंज कर और उसके रास्ते में हर्डल भी खड़े किए जाएंगे। सारे हर्डल को पार करते हुए मान्यवर ये दो संकल्प और एक जो बिल है वो तीनों, और चौथा रिजर्वेशन का बिल, ये तीनों बिल मान्यवर कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके गोलियां बंदूकें और आतंकवाद जो वहाँ दिख रहा है उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होता होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी और दाल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा, ऐसे कश्मीर की हम रचना करेंगे। तो मैं सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस दोनों संकल्पों का और बिल का दोनों आप समर्थन करिए और एक अच्छा मैसेज कश्मीर के अंदर हम डालिए। इतनी करबद्ध विनंती कर मैं मेरी बात को समाप्त करूँ। I shall now put the motion regarding consideration of Jammu and Kashmir Reservation Second Amendment Bill 2019 to vote.